खतरनाक और तगड़ी लूट मुझे मिल चुका है और गाइस इसका रिव्यू दूंगा। और भाई खतरनाक एप्लीकेशन को कैसे अनलिमिटेड बार लूटना है सब कुछ आपको बताऊंगा। गाइस देखो ये जो एप्लीकेशन है ना, यहाँ पर अगर आप एक भी रेफर कर दोगे ना तो भाई 500 रुपया आपका और 500 रुपया आप बैंक अकाउंट में इंस्टेंटली ले सकते हो। कैसे क्या करना है सब कुछ आपको वीडियो में पता चल जाएगा। आपको बहुत दिन से मैं कहते आ रहा हूँ कि भाई तगड़ी लूट आएगा, एक तगड़ी लूट आएगा भाई, आपको 500 रुपया सभी को मिलेगा। गाइस इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लोगे और भाई जो भी आपको मैं बताऊंगा सही सही कर लोगे ना तो आपको 500 रुपया लेने में कोई नहीं रुक पाएगा, इसका गारंटी भाई मैं लेता हूँ। और भाई कैसे क्या करना है सब कुछ आपको वीडियो में चल के पता चल जाएगा। और गाइस जैसे मैं क्या करना है और किस तरीके से आपको लूटना है और कैसे अनलिमिटेड बार 500 रुपीज करके लेना है सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में बता दूंगा। और भाई चलिए आपको मैं दिखाता हूँ क्या क्या करना है और एप्लीकेशन में कैसे साइन अप करना है और साइन अप करके कैसे आपको 500 रुपया आपके बैंक अकाउंट में मिल रहा है और कैसे आपको पर रेफर पर आपको 500 500 करके मिलेगा और भाई एक भी रेफर कर दो तो आपका 500 रुपया हो जाएगा। भाई चलिए आपको मैं दिखाता हूँ क्या क्या करना है, लेकिन इससे पहले चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो क्योंकि आपको पता है इस तरीके का के साथ विश्वास आपको मैं देता रहता हूं। और गाइस देखो इससे पहले गाइस आपको मैं और बात बताना चाहूंगा, यहाँ पर मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके ज्वाइन हो जाए। यहाँ पर देखो कितने सारे बंदे यहाँ पर, सब लोग यहाँ पर जो भी ऑफर वगैरह आता है सबको लूट रहे हैं। और भाई यहाँ पर जो पेटीएम का अभी क्रिकेट ऑफर चल रहा है इसका स्टाम्प वगैरह इसमें मैं गिव अवे करता रहता हूँ, ठीक है। जाओ गाइस टेलीग्राम चैनल पर मोस्ट ऑफ ऑल ज्वाइन हो जाए, वहां पर आपको तगड़ी तगड़ी लूट सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद यूट्यूब पर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और चलिए आपको मैं दिखाता हूँ क्या क्या करना है और किस तरीके से यहाँ पर साइन अप करके इसको लूटना है। देखो गाइस सबसे पहले तो क्या करना है कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में इस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। लिंक मिल जाने के बाद यहाँ पर क्या करना है कि उस लिंक के ऊपर क्लिक करो, क्लिक करने के बाद ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट कर देगा। उसके बाद आपको प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद कैसे यहाँ पर क्या करना है आपको मैं सब कुछ यहाँ पर मेरे मोबाइल की स्क्रीन में समझा देता हूँ। देखो भाई सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपके ईमेल एड्रेस और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर ये दोनों आपको डाल देना है, सही से डालना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको थोड़ी देर यहाँ पर वेट करना है। यहाँ पर देखो यहाँ पर मैं डाल दिया। यहाँ पर क्या करना है कि आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ठीक है ना, कि वो ओटीपी आएगा। यहाँ पर इस ओटीपी को डाल देना है। उसके बाद ओटीपी को जैसे डाल दो यहाँ पर आपको नेक्स्ट की बटन पर क्लिक करके यहाँ पर इसको नेक्स्ट कर देना है। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर यानी साइन अप बटन पर क्लिक करोगे ये इस तरीके का कुछ इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पर आपको ईमेल यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर पैन कार्ड डालने के लिए पूछा जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर पैन कार्ड जो है यहाँ पर सही सही डालना है। यहाँ पर क्या करना है कि जो भी नंबर आपके पैन कार्ड में लिंक है वही नंबर यहाँ पर डालना है और वही पैन कार्ड आपको डालना है। उसके बाद आपको मेल फीमेल यहाँ पर चूज करना है पैन कार्ड डालने के बाद, ठीक है ना। यहाँ पर सिंगल चूज करना है, यहाँ पर बिलो 1 लाख जो भी चूज कर सकते हो। यहाँ पर गाइस यहाँ पर लेस देन 1 जो भी यहाँ पर चूज करना है यहाँ पर चूज कर सकते हो आपके मन मुताबिक। यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर प्रैक्टिकल यहाँ पर जो पॉलिटिकली एक्सपर्ट हो यहाँ पर इसको नो कर सकते हो, यस कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद गाइस यहाँ पर सिलेक्ट यहाँ पर क्या करना है कि ऑक्यूपेशन को चूज करना है। यहाँ पर आप स्टूडेंट भी चूज कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर आपको पैन कार्ड जो है मस्ट डालना है। पैन कार्ड नहीं डालोगे तो आपका यहाँ पर वेरीफाई नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। आपको पैन कार्ड सही सही डालना है, ठीक है ना। और भाई यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है कि क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशन वाला जो इसको टिक कर देना है यानी एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करके यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर इस आई विल डू लेटर पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर नेक्स्ट कर सकते हो। नेक्स्ट करने के बाद गाइस यहाँ पर इस तरीके कुछ लोडिंग लगा। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके कुछ इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। सिंपली यहाँ पर आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पूछा जाएगा आपकी बैंक अकाउंट होल्डर नेम, यहाँ पर IFSC नंबर, यहाँ पर ये सब पूछा जाएगा। याद रखना दोस्तों यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक वगैरह यहाँ पर नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको कोई से बैंक फिजिकल बैंक अकाउंट HDFC वगैरह जो भी है ये दोनों बैंक को छोड़ के पेटीएम एयरटेल पेमेंट बैंक इन दोनों को छोड़ के आप जो भी बैंक है इसको चूज कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पर कोई से बैंक अकाउंट को चूज कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पंजाब नेशनल बैंक को चूज कर लेता हूँ। जो भी बैंक है आपके पास चूज कर सकते हो, लेकिन पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक यहाँ पर नहीं चलेगा, ठीक है ना। बैंक अकाउंट को यहाँ पर लिंक करने के बाद यहाँ पर आपको टैप टू अपलोड पर क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है कि आपके यहाँ पर सिग्नेचर को अपलोड करना है, ठीक है ना। आपका एक सिग्नेचर यहाँ पर कोई भी पेपर में कर लेना है। उसके बाद एक फोटो क्लिक कर देना है। उसके फोटो क्लिक करके यहाँ पर इसको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कनेक्ट डिजिटल लॉकर विथ ऑप्टक्स यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद जैसे यहाँ पर क्लिक कर दोगे ये इस तरह कुछ इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। सिंपली आपको आगे क्या करना है कि यहाँ पर आपके आधार कार्ड नंबर जो यहाँ पर डालना है, ठीक है ना। आपका आधार कार्ड नंबर भी वही डालना है जो आधार कार्ड नंबर आपकी मोबाइल नंबर पर लिंक है। यहाँ पर डालने के बाद गाइस यहाँ पर आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के बटन पर जैसे क्लिक कर दोगे इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। आपके आधार कार्ड पर एक OTP आएगा, आधार कार्ड नंबर पर एक OTP आएगा, आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आने के बाद वो OTP को यहाँ पर डाल दो, पेस्ट कर दो, ठीक है ना। पेस्ट कर देने के बाद यहाँ पर इस तरीके कुछ इंटरफेस आपके सामने खुल के गाइस आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको सब सब कुछ यहाँ पर सही सही करना है। यहाँ पर अलाउ कर देना है। अलाउ कर देने के बाद गाइस आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो इस तरह कुछ इंटरफेस खुल के आता है यहाँ पर आपके पैन कार्ड जो है ना यहाँ पर पैन कार्ड का फोटो डालना है, ठीक है ना। पैन कार्ड का फोटो भी पहले खींच के रख लेना है। यहाँ पर आपका पैन कार्ड का फोटो जो है यहाँ पर डाल देना है, ठीक है ना।
पैन कार्ड का फोटो जैसे डाल दो गाइस, ये इस तरीके कुछ लोडिंग लगा। उसके बाद गाइस लोडिंग लेने के बाद ना ये इस तरीके कुछ आपका इंटरफेस जो खुल के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पर ये इस तरह लोडिंग लेने के बाद यहाँ पर पैन कार्ड जो है सक्सेसफुल अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर सेल्फी ले लेना है, आपका एक सेल्फी ले लेना है। उसके बाद एक टैग के पिक्चर पर क्लिक करके, ठीक है ना, यहाँ पर जैसे एक सेल्फी ले लोगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करके यहाँ पर इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट कर देने के बाद गाइस यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। यहाँ पर कैप्चर पर क्लिक करके जो भी है यहाँ पर पिक डाल देना है। आपका पीक है इसको आप चूज भी कर सकते हो आपकी गैलरी से, ठीक है ना। चूज करने के बाद यहाँ पर एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करके इसको जो है नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करके इसको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर ओटीपी आपके जीमेल पर एक जाएगा, ठीक है ना। आपके जीमेल पर एक ओटीपी जाएगा, जो भी जीमेल आपका यहाँ पर लिंक है, यहाँ पर जो भी जीमेल डाले होंगे वहाँ पर आपको एक ओटीपी जाएगा। उसके बाद वो ओटीपी को यहाँ पर आकर डाल देना है, ठीक है ना। जैसे ही डाल दोगे गाइस यहाँ पर आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करके इसको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर कांग्रेचुलेशन योर लिमिट प्लान ऑफर यहाँ पर दे आर हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करके इसको कंटिन्यू कर दो। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको ई साइन विथ आधार ओटीपी, ठीक है ना, यहाँ पर आधार कार्ड पर ओटीपी जाएगा फिर से, ठीक है ना गाइस। यहाँ पर क्या करना है, आधार कार्ड का यहाँ पर इस तरह कुछ डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। ये डाउनलोडिंग यहाँ पर शुरू होने के बाद यहाँ पर आपको नीचे में यहाँ पर दिख जाएगा कॉर्नर में ई साइन नाउ पर क्लिक करना है, ठीक है। ई साइन नाउ पर क्लिक करोगे तो भाई यहाँ पर आपको कि फोन में एक सिक्योरिटी कोड भेजा जाएगा, ठीक है ना। आपके नंबर पर एक सिक्योरिटी कोड भेजा जाएगा, वो सिक्योरिटी कोड को यहाँ पर डाल दो, ठीक है ना। यहाँ पर पेस्ट कर दो। जैसे पेस्ट कर दोगे ना यहाँ पर क्या करना है कि सबमिट वाला ऑप्शन जो दिख रहा है ना, यहाँ पर सबमिट वाला ऑप्शन पर इसको क्लिक करके इसको सबमिट कर दो। जैसे सबमिट कर दोगे ना ये इस तरह कुछ आपके डिटेल्स वगैरह यहाँ पर खुल के आ जाएगा। जो भी डिटेल्स वगैरह आप डालेंगे यहाँ पर डिटेल्स वगैरह खुल के आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करना है कि आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका आधार कार्ड का नंबर फिर से आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड का नंबर जैसे ही डाल दोगे ना यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके आधार कार्ड नंबर से जो भी यहाँ पर मोबाइल नंबर लिंक है वहाँ पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी को यहाँ पर सक्सेसफुली आकर डाल दो भाई। यहाँ पर ओटीपी डालने के बाद आपका अकाउंट सक्सेसफुली बन जाएगा, ठीक है ना गाइस। यहाँ पर देखो ओटीपी को मैं जो यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पर डालने के बाद गाइस यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करके इसका मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। जैसे वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर लूँगा ना, यहाँ पर मेरा साइन अप प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देखो गाइस यहाँ पर साइन अप सक्सेसफुल यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा धीरे धीरे। यहाँ पर देखो गाइस यहाँ पर मेरा साइन अप प्रोसेस कंप्लीट हो चुका, साइन सक्सेसफुली दिखा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आपको एक ही प्रोसेस करना है, ठीक है ना गाइस। यहाँ पर इस तरीके कुछ यूआई इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पर देखो गाइस यहाँ पर ये सारी जो हो जाएगा, उसके बाद आपका अकाउंट सक्सेसफुली बन जाएगा गाइस। देखो यहाँ पर 24 घंटे वेट करने के बाद यहाँ पर लगभग यहाँ पर 7 घंटे वेट कर लिया, 24 घंटे दिखा रहा है, 7 घंटे में वेट किया। उसके बाद मेरे मेल पर यहाँ पर आईडी पासवर्ड जो है भेजा जाएगा आपकी मेल पर भी। यहाँ पर 7 घंटे के बीच में यहाँ पर आईडी पासवर्ड भेज दिया जाएगा। उसके बाद वो आईडी पासवर्ड को लेकर यहाँ पर आपको यहाँ पर साइन इन करना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो यहाँ पर साइन इन का जो ऑप्शन है यहाँ पर साइन इन कर लेना है, ठीक है ना। वो आईडी पासवर्ड आपकी आ जाएगा आपकी मेल में। उसके बाद वो आईडी पासवर्ड को यहाँ पर डाल के साइन अप प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना। आपको यहाँ पर थोड़ा वेट करना है, यहाँ पर कंपनी वाला यहाँ पर आपका आईडी पासवर्ड भेज देंगे आपके मेल पे, ठीक है ना। जैसे भेज दोगे गाइस यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर चाहे तो यहाँ पर जो आपका पासवर्ड है इसको चेंज भी कर सकते हो, यानी सही सही रहने भी दे सकते हो, ठीक है ना गाइस। यहाँ पर वेट करना है आपको 24 घंटे तक। यहाँ पर आपकी आईडी पासवर्ड जो है आपके ईमेल पर भेजा जाएगा, यानी आपके मैसेज पर भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे याद होगा यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर रेफर फ्रेंड्स वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर देखो गाइस बूम, यहाँ पर आपको 500 रुपया दिया जाएगा पर रेफर पर, ठीक है ना। 500 रुपया पर रेफर पर करके दिया जाएगा, ठीक है ना गाइस। यहाँ पर देखो आपको ऊपर में दिख जाएगा 500 रुपया। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर विड्रॉल यहाँ पर जो दिख रहा है ना यहाँ पर आपको यहाँ पर आ जाएगा। जो भी आप रेफर करोगे यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे ये आ जाएगा गाइस यहाँ पर इसको आप विड्रॉल भी लगा सकते हो, और भाई जो भी विड्रॉ करोगे आपको यहाँ पर 100% आपको पेमेंट वगैरह जो है मिल जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से कुछ करके यहाँ पर आपको यहाँ पर काम कर सकते हो। और भाई यहाँ पर क्या करना है कि जो भी पैसा होगा यहाँ पर आपका टोटल कैश करने में दिखा जाएगा, वहाँ पर विड्रॉ अमाउंट पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसको विड्रॉ कर सकते हो, और जितना भी रेफर होगा यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। और भाई यहाँ पर व्हाट्सअप पर डायरेक्ट इसको सेंड कर सकते हो। और भाई जो भी प्रोसेस किया ना वही प्रोसेस को फिर से आपका दोस्त को करने के लिए बोलो, वो जैसे ही कर देगा यहाँ पर आपको 500 रुपया इंस्टेंटली आपकी यहाँ पर आपके अकाउंट पर क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है ना गाइस। यहाँ पर सही सही प्रोसेस करना है, अगर पर गलत प्रोसेस करोगे तो आपको यहाँ पर पैसा वगैरह नहीं मिलेगा, ठीक है ना गाइस। और भाई आप गलत प्रोसेस करोगे आपका अकाउंट सक्सेसफुली यहाँ पर वेरीफाई नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर आप रेफर करोगे तो आपको यहाँ पर पैसा वगैरह यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसलिए आपको सही से यहाँ पर आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह देकर साइन अप प्रोसेस को कंप्लीट करना है, ठीक है ना। जैसे ही कर दोगे आपका काम यहाँ पर खत्म, यहाँ पर आपका अकाउंट सक्सेसफुली बन जाएगा, और आपको यहाँ पर 500 रुपया इंस्टेंट देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। अभी आपको भाई यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ एक फ्रेंड को रेफर करके मुझे यहाँ पर पैसा वगैरह मिलता है या नहीं, ठीक है ना। क्योंकि आपको अच्छी तरीके से समझ
में सब कुछ आ जाएगा। देखो गाइस यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर सक्सेसफुली एक रेफर कर दिया हूँ। यहाँ पर देखो गाइस यहाँ पर मैं रेफर एंड अर्न वाला सिस्टम है, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पर देखो गाइस यहाँ पर मैं सक्सेसफुली एक बंदे को रेफर किया था, यहाँ पर मैं योर अर्निंग रेफरल्स पर क्लिक करूंगा। जैसे रेफरल पर क्लिक करूंगा यहाँ पर इस तरीके कुछ लोडिंग लेगा, उसके बाद ये इंटरफेस मेरे सामने खुल के आएगा। यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा गाइस यहाँ पर मैं जो रेफर किया था, यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर 3 बंदे को रेफर किया था, 2 बंदे यहाँ पर केवाईसी वेरीफाई नहीं किए हैं पैन कार्ड वगैरह डालकर, इसलिए मुझे ये नहीं मिल रहा है, पेंडिंग दिखा रहा है। उसके बाद जो प्रोसेसिंग दिखा रहा है ना बीच वाला, ये अभी आई यहाँ पर क्रेडिट कार्ड सब कुछ यहाँ पर सही सही डाल के यहाँ पर साइन अप किया है, इसलिए भाई यहाँ पर प्रोसेसिंग दिखा रहा है। जैसे ही उसको उसका आईडी पासवर्ड मिल जाएगा 24 घंटे के बाद या 7 घंटे 8 घंटे के बाद, मुझे यहाँ पर 500 रुपया इंस्टेंटली मुझे यहाँ पर मिल जाएगा, और इसको मैं विड्रो भी लगा सकता हूँ। और भाई विड्रो मुझे मिल जाएगा 1-2 घंटे के अंदर अंदर, मुझे यहाँ पर 500 रुपया मेरे अकाउंट बैंक अकाउंट के अंदर यहाँ पर मुझे मिल जाएगा। सो गाइज ये लूट को अगर आप छोड़ दोगे ना तो भाई आप कभी भी अच्छा लूट आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए भाई बोल रहा हूँ भाई ये लूट को मत छोड़ो भाई, जितना भी हो सके गाइस इस लूट को लूटो। और भाई 500 रुपया कहाँ से आता है यार, लूट लो जितना भी हो सके, जितने भी सारे आपके बंदे आपके पास थे, जितने भी सारे फ्रेंड है उनको रेफर करो और 500-500 रुपीज़ करके आपके अकाउंट पर लो, ठीक है ना गाइस। और भाई जाओ ये लूट को मत छोड़ो, सभी लोग लूटो। बाकी दोस्तों यही था आज की वीडियो, दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हुआ प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस, बाय बाय।